किताब पसंद है। जो किसी भी जगह कोई कार्य कर रहा है, चौकन्ना है, वो चौकीदार है। हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं सेनाएं, हमारे सेना के जवान, वो भी चौकीदार है। पुलिस प्रशासन, वो भी चौकीदार है। अगर कोई कहीं कोई व्यवसाय कर रहा है, वो मूल्यों की रक्षा कर रहा है, वो भी चौकीदार है। आज देश में ये भावना परिलक्षित हुई है और हम देश की रक्षा के लिए, देश में मूल्यों की रक्षा के लिए, देश में विकास तंत्र को बढ़ाने के लिए चौकीदारी करेंगे। आज हर भारतवासी ये कह रहा है। विपक्ष कह रहा है चौकीदार नहीं पसंद है, क्यों? विपक्ष हताश और निराश है, वो भ्रमित है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या कहेंगे। जिस तरह से एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष ने इस पर कमेंट किया, नारे लगवाए, वो बहुत अशोभनीय है। आज हर व्यक्ति समाज का कह रहा है, मैं चौकीदार हूँ देश के लिए, मैं देश के विकास के कार्यों में भागीदार हूँ, ये उनको जवाब है। तो रावण बनारस में आए यहाँ पे, और उस पर मायावती जी ने आज रिएक्शन भी दिया है कि बीजेपी रावण को आगे करके दलित की राजनीति खेल रही है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, उन्होंने क्या कहा है उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। लोकतंत्र है, हर व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। अभी एक राष्ट्रीय पार्टी की महासचिव आई थी, उनके लिए चर्चा हुई, वो वाराणसी से लड़ सकती हैं। अभी जिनका आप नाम ले रहे हैं उनकी चर्चा हुई, जिसको लाना है लड़े। 5 साल में काशी का विकास जनता ने देखा है, देश का विकास देखा है। मोदी जी ने जो योजनाएँ प्रस्तुत की, जो धरातल पर उतारी हैं, देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, पूरी जनता का विश्वास भरोसा उनके साथ है। हमें चिंता नहीं है कौन कौन लड़ता है। चौकीदार प्रभाव डालेगा? कोई प्रभाव किसी का नहीं है। चौकीदार का प्रभाव पड़ेगा? चौकीदार तो आप देख रहे हैं उसका क्या प्रभाव है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संवाद कायम किया हिंदुस्तान भर में 500 स्थानों से, और कुछ स्थानों से आपके सामने जो सवाल जवाब हुए, आपने लोगों का उत्साह देखा और लोगों की भावना देखी, यही उसका जवाब है। राहुल गांधी जी दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, केरल से भी जा रहे हैं, ये उनका भय है जो परिलक्षित हो रहा है। कौन सा डर? और मेरी भविष्यवाणी सुन लीजिए, वो दोनों जगह से परास्त होंगे। नामदार प्रियंका जी अगर वाराणसी से लड़ती हैं तो कितना असरदार रहेंगी? मैंने पहले भी कहा कि ये लोकतंत्र है, हर एक लड़ने के लिए स्वतंत्र है। वो आए लड़ें, उनको खुद पता लग जाएगा कि जनता क्या चाह रही है। जनता जी क्या कह रहे हैं, पिछला चुनाव राम मंदिर पे, इस बार केवल चौकीदार? राम मंदिर हमारी आस्था का प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी राम मंदिर को चुनाव का विषय नहीं बनाया। हम चाहते हैं, हमारी आस्था है कि उस स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, लेकिन ये हमारे लिए चुनावी विषय नहीं है। चालू है सर, चौकीदार राहुल गांधी अभी नारा लगवाने लगे कि बस एक चौकीदार मतलब ही आप समझ लो, उसको अगर ये नारा लगवाना पड़ा, उसका मतलब ही मोदी जी को कितने चाहते हैं, उनको अपना नारा बदलना पड़ा। पहले शुरुआत में उन्होंने चौकीदारों की मजाक की, ये सब चौकीदार होने लगे हैं, अब सब लोग धीरे 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 उनको लगा कि पूरा देश नारा वही प्रमाण है। आज मैं भी चौकीदार अभियान है, इसके बारे में क्या आज मैं भी चौकीदार हूँ, हर कार्यकर्ता, हर देशवासी प्रबुद्ध, जो लोग भी चेतन लोग हैं, सब देश की रक्षा के लिए, इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए, इसकी सीमाओं की सुरक्षा के लिए, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की रक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सभी चौकीदार हूँ, गर्व से कहने के लिए आज कहते हैं मैं चौकीदार हूँ, ऐसा मानते हैं। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, देश की सुरक्षा दे रहे हैं,
हर प्रकार का आज वो रक्षा कर रहे हैं, रक्षा का लोगों को भरोसा जता चुके हैं और सभी चौकीदार बन करके वो नादान लोग हैं जो चौकीदार के अर्थ को गलत लगा रहे हैं, जनता उनको सबक सिखाएगी। हमेशा विपक्ष ही कहता है चौकीदार चोर है, नारे से बाज नहीं आ रहा है, उन विपक्षियों को क्या कहना चाहिए? उनको भगवान बुद्धि दे। पिछले बार उन्होंने 2014 में चाय वाले का अपमान कर चुके हैं, चौकीदार ने उनको सबक सिखाया है, अब चौकीदार को भी चोर कह रहे हैं। चौकीदार चोर के नारे ने सरकार की नाक में दम कर दिया। जल्दी ही चौकीदार भी इनको जनता सिखा रही है, तब भी नहीं समझ पा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चौकीदार हैं, उनके साथ देश का एक बहुत बड़ा वर्ग आज चौकीदार बन चुका है। देश की रखवाली के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, गरीबों के सम्मान के लिए आज चौकीदार बन करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, संकल्पित है, तैयार है। आज इसी का जो भी तीनों लोग जो भी रहता है अपना घर परिवार या देश समाज जो भी वह संभाल लेंगे। कि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा लोकतंत्र है, तो उस लोकतंत्र उस देश का मैं चौकीदार हूँ, चौकीदारी करूँगा। कहीं किसी भी तरह का अपने भारत माँ की अस्मिता को खतरा नहीं होगा। कल भी वो सब ऐसे चुनाव आ रहा है, ये चुनाव का महापर्व है, तमाम लोग आएंगे, तमाम लोग जाएंगे, क्योंकि जब मेला लगता है तो उसमें चोर चाई हर प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को बराबर जनता जो है देखती है, चोर चाई को पकड़ाते हैं तो मार खाते हैं। इस तरह से इस प्रकार जब ये मेला है, पर्व है, लोकतंत्र में जो सबको अधिकार है, सब अपना अपना जो एडवाइस करें, इसमें हम लोगों को कोई था महामंत्री भाजपा आपने भी चौकीदार क्या मानते हैं? चौकीदार हैं, बिल्कुल चौकीदार है, पूरा हिंदुस्तान चौकीदार है, उसमें कोई कमी नहीं है, एक एक जन जन चौकीदार है, पूरी महिला समूह के साथ, महिला समूह नहीं पूरा हिंदुस्तान चौकी, आप भी चौकीदार हो, मैं भी चौकीदार हूँ। लोग कह रहे पत्रकार चौकीदार नहीं हो सकता, होता पत्रकार आप चौकीदार सबसे पहले चौकीदार है। अच्छा, आप नामदार अगर प्रियंका जी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं तो कितना असरदार है? अरे वो हवा में उड़ जाएगी प्रियंका जी का, कोई भी आ जाए, यहाँ कोई चलने वाला नहीं है, प्रियंका आए चाहे रावण आए चाहे कोई आए, सब हवा में उड़ जाएगा। अच्छा, रावण जब कल वाराणसी आए थे उसको लेकर के मायावती जी ने ट्वीट किया है कि ये बीजेपी की साजिश है, क्या है ये? मायावती तो बिल्कुल बेवकूफ है ना, दिमाग से पैदल है वो, अपना जो चरित्र है या उसका बुद्धि है वो हम लोगों पर खेल देती है। हम लोग क्यों रावण को वो खेलेंगे? दलित का तो हम लोग भलाई कर रहे हैं, हमारा सरकार चाहे मोदी गवर्नमेंट हो चाहे योगी गवर्नमेंट हो, दलित का हमेशा भलाई कर रहा है, दलित हमारे भाई है, भाई दलित क्या काम बटा अलग अलग। आज हमारे दो तीन वाल्मीकि बोले, हम माननीय मोदी जी से बात किया, ये उनकी भलाई है, वहाँ की जनता ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको अच्छा माना, आदर्श माना, तब माननीय मोदी जी से बात किया।